खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने वित्त संकट से जूझ रही पंजाबी यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत दी है। सीएम चन्नी ने ऐलान किया है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी को 150 करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब सरकार भरेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी को हर महीने 20 करोड़ की ग्रांट सरकार की तरफ से दी जाएगी। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पटियाला पहुंचे, उनके साथ पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी मौजूद थे। सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पिछले काफी समय से वित्तीय संकट से गुजरी है और चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि वह पंजाबी यूनिवर्सिटी को हर साल 240 करोड़ रुपए देंगे। ये जड़ी यूनिवर्सिटी डुबदी जा रही है। सो आज मैं धन्यवादी हाँ FM साहब का, मेरे नाल आए हैं। ऐसी फैसला कर लिया कि ये 150 करोड़ रुपया ऐसी सरकार दे खेतर विच ले लिया है। इन्हों का इस गल तो वजन लात है, 150 करोड़ रुपया हुणे पंजाब सरकार ने ओन कर लिया ते ऐसी इन्हां नूं एक किस्म की ग्रांट देती है ते इन्हां नूं 150 करोड़ रुपये का बोझ खत्म करता है ता कि यूनिवर्सिटी चले। यूनिवर्सिटी का खर्चा है महीने का 20 करोड़, जिहड़ा जरूरी इन्हां नूं सरकार वल्लों चाहीदा। फीसां फूसां कढ के इन्हां दा 20 करोड़ रुपए का खर्चा बच जांदा जिहड़ा नहीं पे कर सकते। पंजाब सरकार इन्हां नूं दे रही सी 9.5 करोड़ रुपया, जिहदे करके ये यूनिवर्सिटी दे विच क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। पर साडी जिम्मेवारी है कि पंजाब दे विद्यार्थी नूं, नौजवान नूं अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिले। यूनिवर्सिटियां कोल इन्ना क पैसा होवे कि उन्हां नूं पैसे दी दिक्कत करके पढ़ाई ना खराब होवे। सो ऐसी यूनिवर्सिटी नूं 9.5 करोड़ दी जगह 20 करोड़ रुपया पर महीना दे करांगे ता कि इत्थे एक बहुत वधिया ये यूनिवर्सिटी जिस तरह जिस सुपने नाल जिस सोच दे नाल बनाई गई सी उस तरह चले। सो ऐसी 240 करोड़ रुपया पर ईयर यूनिवर्सिटी नूं चलाउण वास्ते देना है ते 150 करोड़ रुपया इन्हों का ऐसी माफ करता है ब्याज वो अपने सरकार दे सिर ले लिया है, टेक ओवर करना वो ऐसी टेक ओवर कर लिया। सो एक बड़ी सोच दे नाल ऐसी अज यूनिवर्सिटी